अब तक आपने देखा इंद्र पूजा को सक्षम बनाने अग्नि देव स्वयं वृंदावन प्रकट हो दीपक प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हैं किंतु कान्हा की लीला उपरांत विफल हो जाते हैं। नंद इंद्र को प्रसन्न करने हेतु दूसरी पूजा आयोजित करने का विचार करते हैं। हम एक विशाल हवन कुंड बनाएंगे और गोवर्धन पर्वत से वृक्षों को काट कर उसे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। दूसरी ओर कंस ब्रह्मलोक के द्वार पहुंच प्रसन्न होता है किंतु स्वयं पर अंधविश्वास ले भीतर जाने में असमर्थ होता है किंतु ब्रह्मदेव स्वयं कंस के समक्ष पहुंच आपके पास 84 लाख योनियों की तपस्या का संचित फल नहीं, इसलिए आप बिना उस पुण्य फल के आप ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन में कान्हा इंद्र पूजा की विफलता तथा गोकुल परिवार की धन बचत को देख प्रसन्न होते हैं किंतु नंद कान्हा पर क्रोधित हो जाते हैं। अब आगे आज तक तुम जो कहता है जो करता है मैंने हर बात सुनी, हर बात मानी, परंतु अब नहीं। अब इंद्र देव के लिए तुम एक शब्द नहीं कहोगे। किंतु बाबा कान्हा, तुम्हें इस बात का ज्ञात है कि यदि इंद्र देव क्रोधित हुए तो हमें इस बात का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। बाबा अब व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं, इंद्रदेव राजा हैं, देवताओं के राजा, उनके पास ना क्षय करने का अधिकार है ना जय करने की शक्ति, और यदि वो कुछ करते भी हैं, तो भगवान बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए। इंद्रदेव ही हमारे भगवान हैं, वो ही हमारी वर्षा की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। सूर्य जल वायु अग्नि सब उनके अधीन हैं, वो ही हमारे भगवान हैं, इसलिए अब चुप हो जाओ और कल की पूजा में आने की तैयारी करो। क्षमा कीजिए बाबा, मैं नहीं आऊंगा आपके हवन में। मेरी मैया बाबा ने जिस भगवान के विषय में मुझे बताया है वो इंद्रदेव नहीं है। बस करा, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। नंद जी संयम रखिए अपने क्रोध पर। क्षमा कीजिए बाबा, किंतु मैं इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए ना वृक्षों को कटने दूंगा ना वृंदावन वासियों को इस हवन के आडंबर में उपस्थित होने दूंगा। बाबा ये जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा है। लल्ला लल्ला कहाँ जा रहे हैं? लल्ला सुन तो। नारायण नारायण, ये क्या है प्रभु? जो आज्ञाकारी कान्हा सदा अपने माता पिता का आदर करते थे, आज वही उनका मुखर विरोध कर रहे हैं। देव ऋषि, कान्हा की कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी वचन अकारण नहीं होता। सबके पीछे एक ठोस उद्देश्य होता है। माता पिता से विवाद के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है प्रभु? संसार को यह बताना कि सत्य सर्वोपरि, सत्य से ऊपर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यही कारण है कि उन्होंने अपनों का पक्ष नहीं लिया, अपनों के साथ ना खड़े होकर सत्य के साथ खड़े हुए, धर्म के पक्ष में रहे। देवऋषि, शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है, किंतु अपनों और अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होने के लिए महासाहस की आवश्यकता होती है, जिसका प्रमाण कान्हा की ये लीला। बालकों की बहुधा अभिभावक नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें अनुभव नहीं है, किंतु विचारों के लिए अनुभव नहीं केवल विवेक की आवश्यकता होती है, और आवश्यक नहीं कि विवेक केवल बड़ों में हो छोटों में नहीं, इसलिए अभिभावकों को बच्चों की भी सुननी चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में आत्मबल का निर्माण होगा। नारायण नारायण, सच में बड़ी न्यारी लीला है कान्हा की, कोई समझे और कोई ना समझे प्रभु, नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। आयुध प्रदर्शन का एक अलग आनंद है देवराज। ये मेरे क्रोध का प्रदर्शन है। किसके प्रति? उन वृंदावन वासियों के प्रति। मेरी ओर से ये संसार को संदेश है, जिन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की है और मेरा अपमान किया है उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, इसीलिए क्रोध प्रदर्शन के माध्यम का चयन कर रहा हूं।
किंतु प्रभु आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? नीतियों का निर्धारण सर्वोच्च सत्ताधारी का अधिकार है, शेष का अधिकार केवल नीतियों का पालन करना है। सहमत हूं मैं आपसे, मेरा भी अभिप्राय वही था। आपकी गौरवशाली गाथा से संपूर्ण संसार परिचित है। आप सा महान मायावी योद्धा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। सबके हृदय में आपके नाम का भय व्याप्त है प्रभु, और यही कारण है कि वृंदावन वासियों ने केवल एक दीप ना जलने के बदले आपके सम्मान में गोवर्धन पर्वत के समस्त वृक्षों को काटकर हवन कुंड प्रज्वलित करने का निर्णय लिया है। यदि सत्य है वायुदेव, तो देवराज अपने क्रोध को विराम देते हैं, किंतु मुझे वहां के पल पल की सूचना चाहिए। इस कार्य के लिए मैं सक्षम हूं देवराज, आज्ञा दे। आज्ञा। आज ना मैं सबको बता दूंगा कि इंद्र की पूजा ना करें। कहां गए गांव वाले? जैसे जैसे वृक्ष कटते रहेंगे, उन सभी वृक्षों को छोटे छोटे भाग में बांट देना, ताकि वो हवन कुंड में शीघ्रता से जल सके। ऋषभानु जी सत्य कह रहे हैं, इस बार हम किसी भी मूल्य पर इस शुभ अवसर को खो नहीं सकते। चलो चलिए। नहीं, मत मारो उन्हें, मत काटो उन्हें। गोली क्या हुआ? गोपी वो मार रहे हैं उन्हें, काट रहे हैं वो उन्हें। कौन मार रहा है, किसे काट रहा है? मुझे जाने दो, उनकी करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय फट रहा है। गोपी मुझे तो किसी की करुण पुकार सुनाई ही नहीं दे रही। मुझे भी सुनाई नहीं दे रही। तुम लोग कैसे नहीं सुन रहे हो? किंतु मुझे जाना होगा, वो मर रहे हैं। मेरे होते हुए मैं उनको नहीं मरने दूंगा। यदि ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की इतनी व्याग्रता है तो मुझसे कहा होता, मैं आपकी सहायता कर देता। इस प्रकार झपटने की क्या आवश्यकता थी? व्यर्थ ही आपने संकट मोल ले लिया। संकट और भगवान कंस को? ब्रह्मलोक के नियमों से अभी अपरिचित हैं आप। देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए प्रयोजन क्या है इसका? वो है राजा काकुद्मी और वो है उनकी पुत्री रेवती। परिचय नहीं, प्रयोजन बताओ। उनकी आयु बता सकते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। उस राजा की आयु 30-35 के आसपास, और वो बालिका लगभग 17 या 18 की होगी। नहीं, उनकी आयु वर्षों में नहीं, युगों में है। युगों में? देखने में तो दोनों नवयुवक लगते हैं। हाँ, केवल देखने में, किंतु उनकी आयु 27 चतुर्युग है, अर्थात 108 युग। 108 युग? संभव। आपका कुतूहल दूर करने के लिए मुझे आपको उनकी कथा सुनानी होगी। इन्हें मत मारो, मत मारो इन्हें, मत काटो इन्हें। क्या वो लकड़ा रहे? रुक क्यों गए? ये बालक। बालक? कौन सा बालक? ये बालक जो पेड़ पकड़ कर रखा है। कण में हो तुम ही समाए, मत काटिए वृक्ष को,
मत काटिए, इनमें भी प्राण होते हैं, इनमें भी पीड़ा होती है। काला, ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ बाबा, ध्यान लगा के सुनेंगे तो आप भी सुन सकते हैं पेड़ों की पीड़ा। काना, तुम सबका समय व्यर्थ कर रहे हो। काका, एक बार मेरे कहने से आंखें बंद करकर इनकी पीड़ा सुनने का प्रयास तो करें। नंद, कान्हा की बात मानने में कोई हानि नहीं है। इन वृक्षों की आहुति देना उचित होगा बाबा। कान्हा, मैंने तुम्हें मना किया था, और यदि इंद्रदेव रुष्ट हो गए तो हम सब संकट में आ जाएंगे। आपके कहने का अर्थ है बाबा कि इंद्रदेव भगवान नहीं है, क्योंकि ऋषि गर्गाचार्य तो कहते हैं कि भगवान तो दयालु होते हैं, वो अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते, है ना मैया? सौ की एक बात कि इंद्रदेव भगवान हैं और हम सभी उन्हें मानते हैं, बस। वे भगवान नहीं है काका, वो केवल एक राजा है, देवताओं के राजा, और राजा की पूजा नहीं होती। यह बात मैं स्वयं से नहीं कह रहा हूँ बाबा, यह ज्ञान मुझे गुरु गर्गाचार्य ने दिया है। गुरु गर्गाचार्य ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप स्वयं जाके उनसे पूछ सकते हैं बाबा, उन्होंने कहा है हमें पूजा उनकी करनी चाहिए जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है। तो ऐसा कौन है ग्वाले? ये गोवर्धन पर्वत गोपी, गोपी हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। राजा काकुदमी समुद्र तल में स्थित समृद्ध और संपन्न कुशस्थली के महान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी इकलौती पुत्री रेवती थी, सुंदर और सुशील। जब उनको ये चिंता सताने लगी कि उनकी इतनी सुंदर कन्या के योग्य कोई वर नहीं है, तो वो अपनी चिंता के निवारण के लिए अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मलोक आ गए। फिर आगे क्या हुआ? राजा भी आपके समान ही अधीर थे। संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात राजा ने वर के नामों की सूची ब्रह्मदेव के समक्ष प्रस्तुत की। राजा काकुदमी, समय गतिमान है, आपको प्रतीक्षा करते करते 27 चतुर्युग अर्थात 108 युग बीत चुके हैं। पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक के समय चक्र में कई युगों का अंतर है। जिसे आपने अपने पुत्री वर के रूप में चुना था वह समय प्रवाह में नष्ट हो चुका है। केवल वही नहीं, उसके पुत्र, पौत्र, परपौत्र सभी। अब उनमें से इस संसार में कोई भी जीवित नहीं। आपको अब अपनी पुत्री के लिए नए सिरे से वर का चयन करना होगा। वे दोनों ब्रह्मलोक में समय चक्र की गति से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें समय प्रवाह का भान नहीं हुआ। जब भान हुआ, वे दोनों पृथ्वी पर जाकर नए सिरे से जीवन आरंभ करने के लिए व्याकुल हुए।
किंतु ऐसा भाग्य आपने क्यों बनाया परमपिता कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूं? नहीं, तुम अविवाहित नहीं रहोगी। पृथ्वी लोक के समय अनुसार तुम्हारा भी विवाह होगा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्म लोक के द्वार पर प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारा विवाह होगा संसार के सबसे सुयोग्य वर कृष्ण के भाई बलराम से। मुझे ये कथा दिखाने और सुनाने का तात्पर्य क्या है? तुम्हारे जिज्ञासु स्वभाव से मैं अति प्रसन्न, इसलिए मैं आप अपने संचित पुण्य फल की सत्व की बची तीन बूंदे देता हूं। इस पात्र के तल में इनके पहुंचने से पहले यदि आपने अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया तो आप विजयी हुए, अन्यथा आप यहां से जाना भूल जाए, आप सदा के लिए यहां खो जाएंगे। आशीर्वाद है भगवान कंस का तुम्हें इस सहायता के लिए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। इस धरती पर सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? भीतर जाने के लिए एक बूंद ग्रहण करनी होगी। पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। आशा है कान्हा की लीला में मेरी ये भूमिका सहायक हो। तू एक ऐसी बात कर रहा है लल्ला, वर्षों से हम जिस देवता की पूजा करते आ रहे हैं तू कह रहा है उस देवता की पूजा छोड़कर पर्वत की पूजा करो? मैया तनिक अतीत को याद कीजिए। एक समय था कुछ विजवासी कंस की पूजा भयवश करते थे और फिर एक समय आया जब सबने उसकी पूजा करनी छोड़ दी। अधर्मी था, पापी था, फिर इंद्र की पूजा हम क्यों नहीं छोड़ सकते? लल्ला, क्योंकि इंद्र की पूजा हमारी प्रथा है। पर मैया, परिवर्तन तो संसार का नियम है। परंतु कुछ प्रथाएं परिवर्तित नहीं हो सकती और तुम इंद्रदेव की शक्ति से परिचित नहीं हो इसलिए ये सब कह रहे हो। लल्ला, सभी देवता इंद्र के अधीन है, सूर्य चंद्र अग्नि वायु और वही इन सबको संचालित करते हैं। और यदि वो रुष्ट हो गए तो जलवायु में भारी परिवर्तन आ जाएगा। जलवायु में परिवर्तन अर्थात धरती के सारे जीवों का अंत। बाबा, वृक्षों के काटने से यही संकट उपस्थित होगा। और आप ही तो कहते हैं वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हमें भोजन देते हैं, तपती धूप में अपनी शीतल छाव में शरण देते हैं, पंछियों का आश्रय देते हैं, अपने छाल से वस्त्र देते हैं, यहाँ तक कि ये वृक्ष ही हमें औषधि देते हैं। वृक्ष का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं है बाबा। परंतु कान्हा, यही वृक्ष जलावन के काम भी आते हैं और वही हम कर रहे हैं। इनकी लकड़ियों को जलावन के काम में लाना मनुष्य की आवश्यकता है बाबा, लोग भी नहीं। किंतु अभी जो आप कर रहे हैं वो आवश्यक नहीं है। वृक्षों को काटने से प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, इसलिए इसे मत काटिए बाबा। इनके कट जाने से हमारे अस्तित्व में संकट उत्पन्न हो जाएगा बाबा, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ही अपनी गोद में इन वृक्षों को संभाल के रखा है।
बाबा। वाले यदि गोवर्धन पूजा से इंद्र क्रोधित हो गए तो उनके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान, परमपिता भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जो अनंत है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है। वृंदावन वासियों, कान्हा ने अब जो भी कहा सत्य कहा, इसलिए अब हम इन वृक्षों को काटकर हवन कुंड में प्रज्वलित नहीं करेंगे, अपितु गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। और यही हमारा प्रायश्चित होगा। बोलो गोवर्धन पर्वत की जय। गोवर्धन पर्वत की जय।